बच्चों शुरू करेंगे क्लास 10th चैप्टर 6 की थ्योरम 6.3। थ्योरम 6.3 को हम ए सिमिलरिटी थ्योरम भी बोलते हैं। ए का मतलब है ए एंगल 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 सिमिलरिटी थ्योरम। आइए इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। इफ़ इन टू ट्राइंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर दो ट्राइंगल हम लेंगे और उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं देन दियर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अगर दो ट्राइंगल्स के अंदर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो जो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो जो होंगी सेम रेशियो में होगी और इसीलिए जो दो ट्राइंगल्स होंगे वो सिमिलर होंगे। आइए ट्राइंगल से शुरू करते हैं। दो ट्राइंगल्स लेते हैं। एक ट्राइंगल लेते हैं ए बी और सी। एक और ट्राइंगल लेते हैं इसको नाम देते हैं ट्राइंगल डी ट्राइंगल डी ई और एफ। तो इसमें क्या बोला गया इफ़ इन टू ट्राइंगल दो ट्राइंगल हमने ले लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल यानी ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है और ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है एंगल जो है ये वाला इस एंगल के बराबर है। आइए इनको लेते हैं हम एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है। एंगल ए जो है एंगल ए वो एंगल डी के बराबर है। ये गिवन है हमारे पास ये इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है देन देयर कॉरेस्पॉन्ड एंगल्स आर इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल सी किसके बराबर बोल रहा है एंगल सी बोल रहा है इस एंगल के बराबर है ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है बच्चों तो क्वेश्चन में हमारे पास जो थ्योरम में गिवन क्या है हमारे पास गिवन हमारे पास है एंगल ए। एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है एक ये चीज़ दे रखी है। सेकंड क्या है एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है। इसके अलावा एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर है। एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर है। तो हमें प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है टू प्रूव। तो प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा है कि ये जो ट्राइंगल है ए बी सी वो सिमिलर है कौन से ट्राइंगल के डी ई एफ के। हमने क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल ए बी सी वो सिमिलर है किस ट्राइंगल के ट्राइंगल डी ई एफ के। ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है बच्चों चलो तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम क्या करेंगे इस लाइन सेगमेंट को जो है एक 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 ट्राइंगल लेंगे इस ट्राइंगल में से जैसा कि ये ट्राइंगल वैसा ही एक ट्राइंगल लेंगे यानी ऐसा ट्राइंगल लेंगे जिसकी ये वाली साइड कितनी होगी ए बी ये वाली साइड कितनी होगी ए सी। तो उसको मेजर करके हम लेंगे ए बी तो मानते हैं वो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है और इस साइड की यानी ए सी वाली लेंथ इसके ऊपर लेंगे ए सी वाली लेंथ और मानते हैं कि वो कहाँ पर आ रही है वो इस पॉइंट के ऊपर आ रही है। इन पॉइंट का नाम देते हैं पॉइंट पी और पॉइंट क्यू। फिर क्या करते हैं इनको जोड़ते हैं आपस में। ठीक है बच्चों तो क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम पॉइंट डी पी पी पॉइंट लेंगे जो कि ए बी के बराबर होगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने ए बी इक्वल टू डी पी ए बी इक्वल टू डी पी ले लिया। और दूसरी चीज़ हमने क्या ली है कंस्ट्रक्शन में ए सी इक्वल टू डी क्यू। ठीक है बच्चों
चलो इसको अब प्रूव करते हैं। आइए प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डी, अब क्योंकि एक नया ट्राइंगल बन गया डी पी एफ, अब इन दो ट्राइंगल्स को लेके चलते हैं। इन ट्राइंगल कौन कौन से, ए बी सी और दूसरा कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन से वाला, डी पी क्यू, डी पी क्यू इस इन एंगल की, इस एंगल की, क्योंकि ये सेम ट्राइंगल्स हैं। तो इसमें क्या होगा, ए बी जो है, हमने अभी बताया कि ए बी हमने डी पी के बराबर रखा है, तो ए बी जो है वो डी पी के बराबर है। वो हमने कहाँ से लिया, ये हमने कंस्ट्रक्शन से लिया है। और दूसरी चीज़, ए सी जो है वो डी क्यू के बराबर है, ए सी इक्वल टू डी क्यू। ये दोनों चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं, ये ली हैं हमने कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, और जो एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है, ये तो गिवन है हमारे पास, एंगल ए जो है एंगल डी में के बराबर, एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर, ये क्वेश्चन में गिवन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। ये कहाँ से है हमारे पास, ये गिवन है हमारे पास, ये तो थ्योरम में बोल रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये हमने पहले बताया था कि ये जो एंगल ए है वो एंगल डी के बराबर है। तो बाई एस ए एस क्राइटेरिया जो हमारे पास है, क्या एस ए एस क्राइटेरिया, जब साइड साइड एक साइड ही हमारी आ गई है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, जब ये तीनों चीज़ें बराबर हों तो फिर वो जो ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, इसके, इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम इसको लिखेंगे बाई एस एस क्राइटेरिया, हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी किसके बराबर है, ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ऐसे लिखते हैं, ऐसा कुछ। ट्राइंगल किस ट्राइंगल के बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी पी क्यू के बराबर, डी पी क्यू। ठीक है बच्चों, और जो एंगल बी है वो है एंगल पी के बराबर, वो किस क्यों आया, वो एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर क्यों है, वो इसलिए है एंगल बी जो है एंगल पी के बराबर है क्योंकि, एक मिनट इसको लिखेंगे पहले, एंगल बी जो है वो है एंगल पी के बराबर। ये कहाँ से आया हमारे पास, बाई कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का मतलब है कि सारा कुछ सेम होगा, तो जो क्योंकि ये दो जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब है कि इसका जो साइड है वो इसके बराबर होगा, जैसे कि हमने वो देखा, और ये साइड भी बराबर होगा, उसके अलावा ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, और ये एंगल जो है एंगल सी जो है एंगल क्यू के बराबर होगा। सिमिलरली जो है एंगल बी जो होगा एंगल पी के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, बाई सी पी सी टी इसको बोलते हैं, बाई सी पी सी टी एंगल बी जो है एंगल पी के बराबर होगा, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, कॉन्ग्रुएंट में सब कुछ सेम रहता है। ठीक है बच्चों, और एंगल बी जो है हमारे पास, एंगल बी दूसरी क्या चीज़ हमारे पास गिवन है, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर भी है। ये हमारे पास कहाँ से आया, ये गिवन है हमारे पास, ये दिया हुआ हमारे पास, ये गिवन है। इन दोनों इससे, क्योंकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, एंगल पी जो है किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ई के, एंगल पी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ई के। ये देखिए एंगल पी जो है एंगल ई के बराबर हो गया। ठीक है, इसीलिए क्या करेंगे, क्योंकि जो एंगल पी है वो एंगल ई के बराबर है, तो इसीलिए जो पी क्यू है वो पैरेलल किसके है, ई एफ के है। पी क्यू जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, ई एफ के। अच्छा, ये ऐसा क्यों है कि ये एंगल अगर सेम हो तो ऐसा क्यों है कि ये पैरेलल होगा, वो इसीलिए होगा कि ये प्रॉपर्टी है कि दो लाइन सेगमेंट्स हैं और उनके
के ऊपर एक कोई लाइन को क्रॉस कर रही है, अगर ये एंगल उनके बराबर हैं दोनों के, ये जैसे इसको पॉइंट को मान रखते हैं पॉइंट ओ, इसको मानते हैं पॉइंट ओ, इसको मानते हैं पॉइंट क्यू, मानते हैं इसको एंगल ओ, अगर जो है एंगल क्यू के बराबर है तो देन ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं तो वो पैरेलल होती है। तो सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एंगल पी जो है एंगल ई के बराबर है, एंगल पी जो है एंगल ई के बराबर हमने अभी प्रूव किया है, तो इसीलिए ये जो पी क्यू है वो पैरेलल है किसके, ई एफ के। ठीक है बच्चों, तो अब हम यूज़ करेंगे बी पी टी थ्योरम, बाई बी पी टी थ्योरम जो कि अभी हमने 6.1 में अभी रीड किया। तो वो बी पी टी थ्योरम क्या बोलती है, डी पी अपॉन पी ई, अगर ये पैरेलल है तो तब क्या होगा, डी पी अपॉन पी ई इक्वल टू होगा डी क्यू अपॉन क्यू एफ। तो इसको लिखेंगे हम बाई बी पी टी थ्योरम, डी पी अपॉन पी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। अब क्या करेंगे, इसको इन्वर्स करेंगे, इसको क्या करेंगे इन्वर्स करेंगे, तो इन्वर्स के बाद इसको ये क्या हो जाएगा, पी ई अपॉन डी पी इज इक्वल टू क्यू एफ अपॉन डी क्यू, ये डी पी नीचे आ गया, पी ई ऊपर चला गया, पी ऊपर चला गया, डी पी नीचे आ गया, दोनों साइड हमने इन्वर्ट कर दिया, पी ई को ऊपर ले गए हैं, क्यू एफ को ऊपर ले गए, ऊपर वाली टर्म्स जो है नीचे आ गई हैं, तो ये इक्वेशन बन गई। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इसमें हम वन ऐड कर देंगे दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, तो क्या हो जाएगा, पी ई अपॉन डी पी प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा क्यू एफ बाई डी क्यू प्लस वन। इसके आगे ये क्या बन जाएगा, इसका एलसीएम आएगा इस साइड डी पी, ऊपर क्या आएगा डी पी सॉरी पी ई प्लस डी पी इक्वल टू आ जाएगा क्यू एफ प्लस डी क्यू अपॉन डी क्यू। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, पी ई प्लस डी पी, पी ई प्लस डी पी, तो इसको हम पूरा, ये आ गया पी ई प्लस डी पी, तो ये इसको हम पूरा डी ई लिख सकते हैं, दोनों को ऐड करके क्या आएगा, ये आएगा डी ई अपॉन डी पी, ऐसे रहेगा इक्वल टू क्यू एफ प्लस डी क्यू, क्यू एफ प्लस डी क्यू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डी एफ आ जाएगा, ये आ जाएगा इस, ये क्या आ जाएगा डी, ये आ गया हमारे पास डी ई, और ये आएगा डी एफ। डिवाइडेड बाई डी क्यू। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, डी अपॉन डी पी इसको डी एफ अपॉन डी क्यू आ गया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ई अपॉन डी पी, डी पी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डी पी हमने निकाला है कि ए बी के बराबर है, कंस्ट्रक्शन किया है डी पी इज इक्वल टू ए बी, डी पी इज इक्वल टू ए बी के बराबर है, तो हम वापस डालेंगे इसको डी अपॉन डी पी की जगह पर क्या लिखेंगे हम, ए बी इक्वल टू हो जाएगा डी एफ अपॉन डी एफ अपॉन डी क्यू, डी क्यू की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए सी, ए सी डी क्यू की जगह पर लिख क्या लिखेंगे हम, क्योंकि डी क्यू बराबर है ए सी के, तो वो लिख दिया यहाँ पर डी सॉरी डी, यहाँ पर डी ए बी जो है डी पी के बराबर था, तो यहाँ पर डी पी जो था वो ए बी के बराबर था, और डी क्यू की किसके बराबर था, ए सी के बराबर था। ठीक है बच्चों, इतना हमने कर लिया, तो इसके आगे चलेंगे हम, अब क्या करेंगे, इसको इन्वर्स कर देंगे, इन्वर्स करने के बाद क्या हो जाएगी इक्वेशन, इन्वर्स करने के बाद ये आ जाएगा ए बी, ये ऊपर चला जाएगा, डी ई नीचे आ जाएगा, डी ई इक्वल टू ए सी जाएगा ऊपर, डी एफ आएगा नीचे। ठीक है बच्चों, तो क्या आ गया हमारे पास अभी, ए बी अपॉन डी ई, ये पूरी साइड और ये पूरी साइड इक्वल टू किसके बराबर आ रही है, ए सी, ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ, तो ये वाली साइड
डिवाइडेड बाय ये वाली साइड इक्वल टू किसके बराबर आ रही है, ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ। ठीक है बच्चों, तो सिमिलरली जैसे हमने ये प्रूव किया कि ये वाली साइड जो है वो ये वाली साइड डिवाइडेड बाई ये वाली साइड वो बराबर बराबर होगी ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ के। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि ए बी अपॉन डी ई ये किसके बराबर है, इसको हम बी सी अपॉन ई एफ कर देंगे, इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। बच्चों को कन्फ्यूजन कहाँ आ रही है कि ये वाली साइड यहाँ तक तो उनको समझ में आ रही है, लेकिन ये उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये वाला ए बी अपॉन डी डी ई जो है वो बी सी अपॉन ई एफ कहाँ से आ गया। जैसे हमने ये सारा किया हुआ है वैसे सिमिलरली इसको दिखाना नहीं एग्जामिनेशन में आपको, लेकिन आपको यहाँ से दिखाना है सिमिलरली जैसे आपने ये किया है वैसे सिमिलरली ए बी अपॉन डी ई हो जाएगा बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है बच्चों, इसको भी मानते हैं हम इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इसको मानते हैं इक्वेशन, इसको इक्वेशन हम मानेंगे इक्वेशन वन, इसको मानेंगे इक्वेशन टू। ठीक है बच्चों, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो दोनों इक्वेशन हैं उनसे क्या हो जाएगा हमारे पास ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई किसके बराबर है, ए सी अपॉन अपॉन डी एफ। ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी ये दोनों साइड बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों साइडें भी ये भी आपस में बराबर होंगे। ए सी अपॉन डी एफ इजिकल टू ए सी अपॉन डी एफ इजिकल टू किसके बराबर हो जाएगा, बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है बच्चों, अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये वाली साइड्स जो है ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ए सी अपॉन डी एफ और बी सी अपॉन ई एफ, अगर ये इनका रेशियो जो है बराबर है तो हैंस, अगर इनका सारों का रेशियो बराबर है तो हम क्या बोलेंगे, हैंस ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है बच्चों, तो ये हमें प्रूव करने के लिए बोला गया था कि हमने प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, ये चीज़ें हमें प्रूव करने के लिए बोली गई थी। तो ये ट्रिपल ए या फिर एंगल 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 सिमिलरिटी थ्योरम, एंगल देखो यहाँ पे एंगल 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 ये सारे बराबर थे इसको लिए, इसीलिए ट्रिपल ए सिमिलरिटी थ्योरम भी इसको बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी थ्योरम 6.3। थैंक यू।